हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हमारे पास है Realme 12 Pro Plus और इस वीडियो में हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वैसे इस फोन का कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। और साथ ही के साथ इस फोन का कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट कैमरा टेस्ट इसका करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फोन के कैमरा के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, मतलब कि इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 का मेन सेंसर है। इसके बाद 64 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी हमें देखने को मिल जाता है। और बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले फोटोज से शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसका मेन कैमरा थोड़ा सैचुरेटेड सी आउटपुट निकालता है, जो देखने में काफी आई कैची और अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन सब्जेक्ट की बात आती है, वैसे ये पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा क्लोज टू नेचुरल फोटोज ये ले लेता है, जो देखने में काफी अच्छी भी लगती है। बाकी नाइट फोटोज की बात करें तो देखो, नाइट में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस फोन के काफी अच्छी है। ओवरऑल इसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा काफी अच्छा आउटपुट निकाल के दे देता है। अब इसके पेरिस्कोप लेंस की बात कर लेते हैं, तो इसका पेरिस्कोप लेंस अप टू 3x तक जूम कर सकता है, जिससे खींची गई फोटोज काफी अच्छी लगती है और पोर्ट्रेट फोटोज भी इसके काफी कमाल के आते हैं, जस्ट लाइक DSLR जैसी फील आपको तो ये दे ही देगा। बस कभी कभी बालों को ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और कभी कभी बालों को ये ब्लर कर देता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके 3x पोर्ट्रेट आउटपुट काफी अच्छे लगेंगे। 3x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ ये फोन अप टू 6x का डिजिटल जूम भी, यानी कि लॉसलेस जूम भी कर सकता है, जिससे खींची गई फोटोज दिन में तो देखने में आपको काफी अच्छी लगेगी, बस नाइट में इससे खींची गई फोटोज थोड़ी सी नॉइजी लगती है और डिटेल्स थोड़ी सी कम आ जाती है, बट दिन में इसके आउटपुट आपको काफी इंप्रेसिव लगेंगे। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की बात कर लेते हैं, तो देखो इसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, जिससे खींची गई फोटोज देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसको जूम करके देखोगे ना, आपको डिटेल्स बहुत कम नजर आएंगी, तो हाँ ये आपका काम चलाने के लिए अच्छा है। अब लास्ट सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं, तो हाँ सेल्फी कैमरा भी इसका काफी ठीक ठाक फोटोज खींच लेता है, आपको इसके आउटपुट भी काफी अच्छे लगेंगे और पोर्ट्रेट में भी इसका एज डिटेक्शन कभी कभी फेल हो जाता है, मतलब बालों को ये सही से ब्लर नहीं कर पाता, बट फिर भी ठीक है, आपको इसके आउटपुट अच्छे लगेंगे दिन के साथ साथ रात में भी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि फोटोज को खींचते टाइम जब आप डायनेमिक रेंज को देखोगे ना, तो वो आपको कुछ अलग नजर आएगा, लेकिन फोटोज को जब आप क्लिक कर लोगे और गैलरी में जाके जब देखोगे, तो पोस्ट प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एकदम शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेगा, और ये चीज सारे लेंस के साथ अप्लाई होता है। खैर ये तो हो गई फोटोज की बात, लेकिन आपको पता होगा कि ये फोन अप टू 120x तक जूम कर सकता है, तो मैं आपको कुछ जूम शॉट्स दिखाता हूँ। जैसे कहीं दूर में कुछ बड़ा चीज देखना हो, या फिर कहीं दूर में कुछ बड़े टेक्स्ट लिखा हो, मतलब कि कहीं दूर में कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई बड़ा चीज है वो आपको देखना है, तो वो इस कैमरे से आप आराम से देख पाएंगे AI प्रोसेसिंग के बाद। और इस फोन के साथ हमने 120x के साथ अलग अलग जूम शॉट्स ट्राई किए हैं, जो आप देख सकते हैं, और हमें ये पता चला कि 30x तक आप बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूजेबल फोटोज आ जाती है, उसके बाद काम चलाओ फोटोज आपको मिल जाएगा और क्वालिटी उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। और बाकी मून शॉट्स के लिए ये सब फोन्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मून शॉट्स भी ये काफी क्लियरली कैप्चर कर लेता है, हमने अलग अलग दिनों में मून शॉट्स को भी ट्राई किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हमने बहुत दूर से एक पेमेंट स्कैनर को स्कैन किया, तो ये उसे भी काफी आसानी से स्कैन कर ले रहा था, तो हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी इस फोन के कैमरा की क्वालिटी अच्छी तो है। खैर ये तो हो गई फोटोज की बात, लेकिन वीडियोस में ये फोन कैसा परफॉर्म करता है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट कैमरे से। तो देखो फ्रंट कैमरे से ये फोन 1080p 30fps तक शूट कर सकता है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेबलाइजेशन तो उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ क्लैरिटी ये काफी अच्छा दे देता है और डायनेमिक रेंज भी ये काफी अच्छे से मेंटेन कर देता है, तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा का वीडियो आपको ठीक ठाक लगेगा। इसका मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा दोनों से 4K 30fps पर वीडियो आप शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे 4K में स्टेबलाइजेशन तो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी
बट हाँ 1080p 60fps पर ये काफी स्मूथ और स्टेबल वीडियोस को शूट कर सकता है, जो देखने में आपको काफी अच्छी लगेगी। क्वालिटी भी ये बहुत अच्छी दे देता है और डायनेमिक रेंज तो एकदम अच्छे से मेंटेन कर ही लेता है। तो ओवरऑल मेन कैमरा और पेरिस्कोप लेंस दोनों से आप एकदम स्टेबल वीडियोस और अच्छे अच्छे खासे वीडियोस शूट कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि ये पूरा वीडियो इसी फोन से शूट किया जा रहा है, वो भी 3x पेरिस्कोप कैमरे के साथ। तो इससे भी आप इस फोन के वीडियो क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसका मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा का एक खास बात यह भी है कि ये दोनों कैमरा से आप पोर्ट्रेट में वीडियोस को शूट कर सकते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और इनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आती है। बाकी इसके अदर कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें हाई रेज है, प्रो मोड है, स्लोमो है, फिल्म मोड है, स्टेरी मोड है और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दो फीचर्स इसके सबसे अच्छे लगे। पहला तो ये ड्यूअल वीडियो मोड, जिससे आप फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से एक साथ ही वीडियोज को शूट कर सकते हैं, जो व्लॉगिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और दूसरा ये टेक्स्ट स्कैनर मोड, जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो खींचोगे तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही कवर करेगा और एक डॉक्यूमेंट फोटो आपको बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। तो ये था इस फोन का कंप्लीट कैमरा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस फोन का कैमरा कैसा है। और मेरी ओपिनियन की बात करें तो देखो, इस फोन का प्राइस 30,000 है और इस प्राइस में आपको काफी सारे फोन्स मिल जाएंगे जो कि परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।